गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड 9th की एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। जिनको भी कहीं पर भी कंफ्यूजन हो वो जा सकते हैं पिछले वीडियोस में, एक्सरसाइज 2.2 वीडियो बना हुआ है पहले से ही, सारे बेसिक्स पहले से ही बने हुए हैं। तो आज हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 2.3, जो कि बहुत दिनों से बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा था। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है एक्सरसाइज 2.3 में, दैट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय सो मेनी कंडीशंस आर देयर। बहुत सारे कंडीशन है। पहला कहा जा रहा है कि जब x प्लस 1 से डिवाइड होगा तब कितना होगा, x माइनस 1 बाई 2 से होगा तब कितना होगा, सिर्फ x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, x प्लस पाई से करेंगे तो कितना होगा, और 5 प्लस 2x से करेंगे तो कितना होगा। तो बच्चों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े थे, है ना, याद होगा रिमाइंडर थ्योरम में कि जब किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड किया जाता है किससे, कोई gx x माइनस a से, तो रिमाइंडर कितना बचता था, p ऑफ a, है ना। मींस x इक्वल टू जो gx था हमारा, gx को हम लोग इक्वेट कर देते थे किसके साथ, जीरो के साथ, फिर जीरो ऑफ gx निकल जाता था, और जो जीरो निकलता था, जो वैल्यू निकलता था, उस वैल्यू को हम लोग पुट करते थे कहां, x के जगह पे, ठीक है। तो याद होगा आपको कि हम लोग क्या करते थे कि x माइनस a से अगर डिवाइड करना होता था तो जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वेट कर दिया जाता था किससे, दैट इज इक्वेटेड टू जीरो, उसको इक्वेट कर दिया जाता था जीरो के साथ, और फिर क्या मिलता था हम लोगों को, x इज इक्वल टू a। तो जहां जहां x होता था वहां पर हम लोग क्या पुट करते थे, a पुट करते थे, और हमारा वैल्यू रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो आ जाता था। else इससे पहले हम लोग बचपन में क्या सीखे हैं रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जब हम लोग इस तरह की डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो। लेकिन आप लोग देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कितनी आसानी से रिमाइंडर निकाला जा सकता है। ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या था क्वेश्चन। तो पी एक्स मीन्स जिसको डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। नाउ योर फर्स्ट कंडीशन gx, जो gx दिया हुआ है वो कितना है, x प्लस 1। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो रिमाइंडर कितना होता था, यही a, x का वैल्यू जो आता था, है ना, उसको हम लोग पुट करते थे। तो यहां पे x माइ x प्लस 1 है, है ना। x प्लस 1 को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ रिमाइंडर हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम से जो मिलता है, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, दैट इज p ऑफ माइनस 1। तो माइनस 1 पुट करते हैं जहां जहां x है वहां पर। सो माइनस 1 पर क्यूब 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। सो माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है प्लस 3, देन अगेन 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 एंड प्लस 1। सो हम लोग क्या देखते हैं, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है हमारे पास, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया हमारे पास, अब हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि यस दिस वाज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर भी है इसका। क्यों, फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तभी वो फैक्टर कहलाता है ना। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहां पे, रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में gx कितना था, x इज x माइनस 1 बाय 2। ओके, gx वाज x माइनस 1 बाय 2। सो पहले पहला काम क्या होगा हमारा, इस x माइनस 1 बाय 2 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 1 बाय 2। x का वैल्यू कितना आता है, 1 बाय 2। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 बाय 2 इन ईच प्लेस, हर जगह जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 बाय 2 पुट करते हैं। तो 1 बाय 2 पर पावर 3, 3 इंटू 1 बाय 2 पावर 2 प्लस 3 होल 1 बाय 2 प्लस 1, 3 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1। तो कितना मिलता है हम लोगों को, 1 बाय 2 का होल क्यूब 1 बाय 8, 3 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 4, 3 बाय 4, 3 इंटू 1 बाय 4 दैट इज 3 बाय 4 प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 दैट इज 3 बाय 2 एंड प्लस 1। सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे
तो हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 8, 4, 2 और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। सो हमारा एलसीएम भी कितना आता है 8। नाउ वी गेट 27/8। सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचता है 27/8। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सिंस पी ऑफ 1/2 इज 27/8, सो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 27/8। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स है ना। तो हम लोगों का काम क्या है, सबसे पहले जो जी एक्स है इक्वेटेड टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू तो डायरेक्टली निकल गया कि अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर विल बी p ऑफ 0। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 3, 3 * 0 टू द पावर 2, 3 * 0 + 1, सब 0 हो गया, इधर रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ओके, सो आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 1 होगी। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें g ऑफ x क्या था, x + π। तो पहला काम क्या होगा बच्चों, हमेशा कि g ऑफ x को इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। So, x plus pi equal to 0, then x is equal to minus pi. x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस पाई आ गया है ना। तो अब क्या करते हैं, p जहां जहां पे x था वहां पे क्या पुट करेंगे, माइनस पाई, दैट इज p ऑफ माइनस पाई विल बी आवर रिमाइंडर। देन p ऑफ माइनस पाई, माइनस पाई पर पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई पर पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, देन माइनस पाई क्यूब, देन प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस प्लस इनटू माइनस, दैट इज माइनस 3π प्लस 1। तो फाइनली हम लोगों के पास क्या बच गया कि माइनस पाई क्यूब प्लस 3π स्क्वायर माइनस 3π प्लस 1 इज आवर रिमाइंडर है ना। जो भी वैल्यू आ जाए, जब हम लोग gx को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, उसके बाद x का वैल्यू जब पुट करते हैं, तो जो भी वैल्यू आ जाता है p ऑफ a का, जो भी वैल्यू आ जाता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ये कौन कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है। इसका प्रूफ हमने देखा है कि ये बिल्कुल सही है ना। इसका प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं, जिसको जहां पे कंफ्यूजन है आप पिछला वीडियोस जो है वो विजिट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 + 2x। इसको लिखा जा सकता है 2x + 5, देन gx वाज 5 + 2x, सो gx को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, देन 2x इज इक्वल टू -5, so x is equal to -5/2. now our remainder will be p of -5/2. हमारा remainder क्या होगा, p of -5/2, so -5/2 power 3 plus 3 into -5/2 power 2 plus 3 into -5/2 plus 1 है ना। now इसके values put करते हैं, -5 into -5 into -5, that is -125/8 plus 3 into 25, that is 75/4 minus 15/2 plus 1। तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, -27/8। सो आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर, चूंकि p ऑफ -5/2 इज -27/8, सो आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -27/8। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ओके, तो ये था रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर निकालना। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन फिर से हम लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अगर डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3, क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से कहा जा रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। किससे डिवाइड करना है, x माइनस a से। सो हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, हमेशा हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट p ऑफ x, हमारा p ऑफ x कितना होगा, दैट इज x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a,
एंड जी एक्स कितना होगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, है ना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए पहला काम क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेट करते हैं, जी ऑफ एक्स का जीरो निकालते हैं। सो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए, है ना। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जब हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, दैट इज पी ऑफ ए। तो अब हम लोग इसके जगह पे पुट करेंगे, सो वी विल गेट ए क्यूब, x क्यूब था, x की जगह पे क्या पुट करना है a, सो a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू a, और यहां तो पहले ही माइनस a था, तो जहां जहां x था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। Now we get a cube minus a into a square, that is again a cube plus 6a minus a. तो हम लोगों के पास जो remainder बच रहा है, आप देखेंगे बच्चों, a cube minus a cube, so plus a cube minus a cube gets cancelled, 6a minus a, है ना, 6 apple minus 1 apple, that is equal to 5 apple. Okay, so similarly 6a minus 1a, that is equal to 5a, so p of a is 5a. So our required remainder is, हमारा जो remainder बचा वो कितना बचा, our required remainder is 5a. That's your answer. ये आपका answer हो जाएगा. Okay. तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या use किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने remainder theorem का ही use किया. तो याद रखेंगे हमेशा कि जब कभी भी किसी भी polynomial को divide करने दिया जाए और पूछा जाए कि remainder कितना होगा, then always equate the gx. gx को इक्वेट कर दीजिए जीरो के साथ, पहला स्टेप है ये। जो x का वैल्यू आया उसको पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, हमारा px में जहां जहां x है वहां पे पुट कर देना है x का वो वैल्यू। ओके, वी विल गेट आवर रिमाइंडर। नाउ ओनली वन क्वेश्चन वी हैव, है ना, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आइए उसको कर लेते हैं। So let's take our last question. Last question क्या है? The check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. तो हमारा, हमें जो check करने को दिया गया है, उसमें p of x कौन है? Then let p of x is equal to 3x cube plus 7x. ये हमारा p of x है। और check करने को कहा जा रहा है क्या? तो gx, g of x कितना मिला हुआ है, दैट इज 7 प्लस 3x। तो 7 प्लस 3x जो है वो एक फैक्टर है कि नहीं इसका, ये हम लोगों को देखना है। किसी भी चीज को जब हम लोग फैक्टर कहते हैं कि फैक्टर है कि नहीं, इसके लिए क्या जरूरी होता है कि रिमाइंडर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। देन वी हैव रिमाइंडर थ्योरम, हम लोगों के पास रिमाइंडर थ्योरम है, यूज करते हैं उसको। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो जीरो ऑफ दिस वन, देन इक्वेट दिस वन, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। देन वी गेट हियर, को आगे बढ़ाते हैं, वी गेट हियर 3x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, माइनस 7 बाई 3। अब हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि रिमाइंडर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Then p of minus 7 by 3 is equal to 3 into minus 7 by 3 to the power 3 plus 7 into minus 7 by 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहां पे, that is 3 into minus 7 per power 3 है, minus 7 into 7 is minus is plus 49 and plus 49 again multiplied to minus 7, that is equal to I think minus 343. So minus 343 by 3 into 3, 9 into 3, that is 27, and minus 7 into minus 7, that is 49 by 3. Okay, तो अब हम लोगों के पास ये चीज आ गया। So now we will be multiplying this one. इसको multiply करेंगे हम लोग। तो multiply करके कितना आ रहा है ये, इसको देखते हैं। So 3 into 3, that is 9. 3, 4, 12,
N1 that is 1029. No sorry, very easy. ये भी करने की जरूरत नहीं है. 3 × 9 = 27. Okay, so we have -343/9 and -49/3. ये हम लोग आसानी से कर ही सकते हैं, है ना. -343/9 हो गया and -49/3 हो गया. So अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, है ना. हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे. फर्स्ट टेक 9, सो दिस विल बी -343 माइनस, इसको फिर 3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 × 9 = 27, 2 × 3 = 12 + 2 = 147. ठीक है. सो क्या आ गया हमारे पास, -343 एंड -147, सो 0 दैट इज 9 एंड दैट इज 4. सो वी हैव -490/9. तो ये कितना आ गया फाइनली, पी ऑफ -7/3 हमारे पास क्या आ गया, -490/9. क्या ये जीरो है? अगर ये जीरो हो जाता तो हम क्या कहते कि यस दिस वाज अ फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन. लेकिन जीरो तो हुआ नहीं, जब जीरो नहीं हुआ तो ये फैक्टर भी नहीं कहलाएगा. ओके, सो हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो है वो पॉलिनोमियल्स चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइदर फॉर स्टैंडर्ड 9th और फॉर स्टैंडर्ड 10th. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पूरा एक्सरसाइज जो है वो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे था, जिसका यूज करके हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इसे बना लिया. ओके, ये सब चीज भी देखिए ऑब्जर्व करने के लिए होता है. व्हाई टू मल्टीप्लाई दिस वन, क्यों इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये इजीली यहां पे कैंसिल हो जाए. ओके, तो ये सब चीज का ध्यान रखेंगे. और यहीं पे हम लोगों को समझ जाना चाहिए था, जब दो चीज माइनस में आ गया तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं होगा, इट विल बी ऐड, वो हमेशा ऐड हो जाएगा. ओके, तो जो भी हो, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया. और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4, 2.5. ओके, सो टिल देन वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, पसंद आए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.